गुड मॉर्निंग हिमाचल, सुबह की ताजा खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत हेडलाइन से। चौथी बार नशे संग पकड़ा गया हरसर का युवक, कंडवाल में 3 लोगों से पकड़ी चिट्टे की बड़ी खेप। हरिपुर धार में आग का तांडव, घरों तक पहुंची लपटों से सहम उठे ग्रामीण। बारिश बर्फबारी का अलर्ट, मैदानी इलाकों में धुंध का आलम। अब खबरें विस्तार से। पुलिस थाना जवाली के अधीन ग्राम पंचायत हरसर, पनालत व घाट जरोड के 3 युवकों को पुलिस ने चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। इन तीनों में से एक युवक हरसर पनालत ब्लॉक समिति का सदस्य रह चुका है, जिसकी कांग्रेस के साथ अच्छी पेट रही है। विवेक चौधरी निवासी हरसर, आशीष निवासी घाट जरोड व लक्की निवासी हरसर से कंडवाल में नाकाबंदी के दौरान 39.54 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार पुलिस ने कंडवाल में नाकाबंदी कर रखी थी कि कार को रोककर तलाशी ली तो 39.54 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि विवेक चौधरी के खिलाफ पहली बार पुलिस थाना जवाली में 2 अक्टूबर 2019 को 156.22 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था, जिसका मामला दर्ज किया गया था। जबकि दूसरी बार भी पुलिस थाना जवाली में 4 अप्रैल 2022 को 5.79 ग्राम चिट्टे के साथ, तीसरी बार फिर पुलिस थाना जवाली में 15 मार्च 2023 को 10.12 ग्राम चिट्टे के साथ व चौथी बार पुलिस थाना फतेहपुर में 8 जुलाई 2023 को 11.11 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़कर मामला दर्ज किया गया था। अब 24 जनवरी 2024 को अन्य 2 साथियों के साथ पुलिस थाना नूरपुर में 39.54 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़कर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा है कि आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हरिपुर धार के निकटवर्ती गांव रनवा के समीप आग लगने से दर्जनों घासनियों में रखा घास राख हो गया है। पहले भी गांव के समीप 2 बार आग लग चुकी है और गांव की 90% घासनियां पूरी तरह से राख के ढेर में बदल चुकी है। आग गांव के बिल्कुल समीप भड़की, जिससे ग्रामीणों को चिंता सता रही है कि कहीं आग उनके घरों तक ना पहुंचे। इसीलिए लोगों ने आग को बुझाने के भरपूर प्रयास किए, मगर तेज हवाएं चलने के कारण आग बेकाबू हो गई। लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और आग पर काबू पा लिया। हिमाचल प्रदेश में सुबह शाम ठंड का प्रकोप बढ़ने से लोगों का घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। बारिश न होने से मैदानी इलाकों में धुंध ने दिक्कतें बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के मध्य व उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ क्षेत्रों में 25 से 30 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। हालांकि मैदानी भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।